मृत्युकाल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात दीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया है। तदनंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यह बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है। देव, जिन मंत्रों द्वारा, जिस विधि से, जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया है। किंतु प्रभु, एक और संशय रह गया है, वह है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपके प्रिया हूँ तो यह सब बातें मुझे बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि वह मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीहा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों के भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला, अंधकारमय सब दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास से शेष रह जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुषों को यह जान लेना चाहिए कि उनकी भी आयु 6 महीने से अधिक शेष नहीं है। देवी, अब तुम दूसरी बात सुनो। जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास से अधिक जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ। सुनो देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे तब 1/2 मास से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिन ताराओं का दर्शन ना हो ऐसा मनुष्य 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूर्ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उदत्त नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात उठता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग में छाया पथना दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है।